हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस यू, माय नेम इज़ रामजी कुमार एंड आई टीच यू साइंस सब्जेक्ट। हम इस सीरीज में हम लोग क्लास 10 के साइंस के सभी लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं और हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। द नेम इज केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पर दोनों यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों कवर करेंगे, लेकिन हम बोर्ड पर तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको वहाँ जहाँ जहाँ थोड़े कठिन वर्ड हैं उनको मैं हिंदी में करता रहूँगा। तो जहाँ पर भी लगता है मुझे कि वहाँ कठिन है वो उसको मैं हिंदी में। सो नो चेंज है कोई। सिलेबस की बात करें फर्स्ट चैप्टर की केमिस्ट्री के लिए, वहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। और दोनों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम है, नो चेंज है, बिल्कुल हर एक लाइन बाई लाइन सेम है। सो हाँ, हम हमारा जो फोकस रहेगा हर टॉपिक को कवर करना है सीबीएसई वे में, बट जो मेन पीडीएफ मिलेगी वो सिलेबस की, वो यूपी बोर्ड की भी मिलेगी आपको, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सो अब हम बात करेंगे सिलेबस में, पहले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको पहले हम देख लेते हैं, एक बार हम समराइज करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को लाइन बाई लाइन उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे वेरी फोकस होके। सो टॉपिक इसमें चैप्टर में फर्स्ट वाले में है केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, जो हमने क्लास 9th में भी थोड़ा पढ़ा था और क्लास 8 में भी। सो यहाँ पर पहला टॉपिक वो केमिकल इक्वेशन है, दूसरा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है और एटम अगर अलग अलग हैं तो उनको इक्वेट करना है, उनको बैलेंस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पेपर में आता है आपके। सो नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीकेशन ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको कैसे उसको इम्प्लीफाई करेंगे, मतलब उसका तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और हिंदी में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी में अगर बात करें तो रासायनिक समीकरण और बैलेंस मतलब क्या होता है, हिंदी क्या है बकवास चीज है, ना कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित। सो हिंदी है बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण करने की विधि। और यहाँ पर रासायनिक समीकरण है और रासायनिक समीकरण के प्रकार हैं, और पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में इसका आता है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, हम लोग हिंदी में समझा रहे और इंग्लिश में भी समझो, सो जरूरी काम आएगा। तो संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे और वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज मीन्स द्वि विस्थापन अभिक्रिया हिंदी के लिए। और प्रेसिपिटेशन उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, अटकेंगे तो दिक्कत आएगी, फिर अटकना चाहिए, मामला गड़बड़ है जाएगा, फिर इसको बोलते हैं अब छेपड़ अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिकरण उपचयन अपचयन। सो नेक्स्ट है, इसके बाद है आपका प्रेसिपिटेशन होता है, उसके बाद अभिक्षेपण अभिक्रिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पहले भी पढ़ी है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कहीं पढ़ा होगा, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर आता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ये टॉपिक्स हैं चैप्टर फर्स्ट की बात, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, उनमें ये सारे टॉपिक्स हैं हम लोग जो आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको डिटेल में कवर करेंगे, और हर टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे जैसे जो हमारे आगे हुए काम में आए और 11th की केमिस्ट्री में भी हमको उसकी हेल्प हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए पढ़ें और बस छोड़ें। सो ऐसे डिटेल में पढ़ना है, और हो सकता है आपके कंपटीशन में भी काम आ जाए, कोई आपको नीट का एग्जाम देना है या फिर किसी कंपटीशन को देना, तो वहाँ पर ये टॉपिक को किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे और बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ेंगे, कोई हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस दोनों के लिए सेम है, यूपी बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई के लिए है, दोनों के लिए सिलेबस सेम है, हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर आएगा तो उसमें हर टॉपिक को एक लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।